हाय गाइस, वेलकम बैक टू 06 स्टडी पॉइंट। और आज हम देखने वाले एक न्यू वैकेंसी जो कि आपकी इंजीनियरिंग बीटेक बीटेक डिप्लोमा और आईटी स्टूडेंट्स के लिए। तो चलिए देखते हैं आपकी जो वैकेंसी है, इलेक्ट्रॉनिक्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड में है, ECIL। ठीक है गाइस, इसमें जो आपकी जूनियर टेक्निकल ऑफिसर ऑन कॉन्ट्रैक्ट की वैकेंसी है वो है आपकी 1470 और जूनियर कंसल्टेंट फील्ड ऑपरेटर की है, ऑपरेशन की है 315, वो भी कॉन्ट्रैक्ट बेसिस है। और जूनियर कंसल्टेंट फील्ड ऑपरेशन, उनकी भी कॉन्ट्रैक्ट बेस है, 315 सीट है। शुड बी बोर्न, ये आपके जो डेट ऑफ बर्थ है ये सब आपका शुड बी बोर्न आफ्टर द डेट मंथ एंड ईयर इज मेंशन बिलो, मतलब 1988, 1993 और 1993, ये सभी आपकी डेट दी हुई है। इन सभी के बाद आपका डेट ऑफ बर्थ होना चाहिए। और उसी के साथ आपका पे स्केल दिया हुआ है 19,000, 17,000 एंड 16,000। तो और इसमें आपको जो ये होगा कॉन्ट्रैक्ट बेसिस होगा, जो क्वालिफिकेशन है वो फर्स्ट है आपकी बीटेक विद इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग, इंफॉर्मेशन इंजीनियरिंग, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी विद 60% मार्क्स। डिप्लोमा भी आपका सेम ब्रांचेस में ही है, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन, मैकेनिकल इंजीनियरिंग एंड कंप्यूटर साइंस विद मिनिमम 60%। और आपने ITI की है 2 साल की, इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक्स रेफ्रिजरेशन एंड टीवी एंड इलेक्ट्रिकल एंड फिटर की ब्रांच से, तो भी आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। मेथड ऑफ सिलेक्शन देख लेते हैं हम इसमें। द सिलेक्शन विल बी प्रोसीड बेस्ड ऑन द मार्क्स ऑब्टेन द क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन मेंशन बिलो, BE, BTech, डिप्लोमा, ITI सेटिस्फाइड कैंडिडेट्स विल बी कॉल फॉर द डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एंड वेरियस जोन्स पर द ऑप्शन एक्सरसाइज कैंडिडेट्स रिक्वायर टू इंडिकेट हिज हर चॉइस ऑफ प्लेस डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आउट ऑफ जोन्स एडवर्टाइजमेंट न्यू दिल्ली, बैंगलोर, मुंबई, हैदराबाद एंड कोलकाता। गाइस, इसमें आपका एक रूटीन एग्जाम होगा जिस जो आपका CBT बेस होगा मेरे ख्याल से, ठीक है। उसी में आपका क्या होगा, आपका उसको आपका फर्स्ट एग्जाम क्लियर करने के बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन किया जाएगा आपके उसी जोन में जिस जोन की आपने वैकेंसीज फिल की होंगी। आपकी सभी वैकेंसीज हैदराबाद में आपकी टोटल 650 वैकेंसीज हैं, न्यू दिल्ली में आपकी 550 वैकेंसीज है, बैंगलोर में आपकी 225 है, मुंबई में आपकी 25 है और कोलकाता में आपकी 650 हैं। तो टोटल नंबर ऑफ आपकी जो वैकेंसीज है वो 2,100 वैकेंसीज हैं। ये सभी आपके एड्रेस दें जहाँ पे आपका आप जहाँ पे भी आपके वेरिफिकेशन की जाएगी डॉक्यूमेंट्स के आपके एग्जाम के बाद, ठीक है गाइस। आपका रिजर्वेशन और रिलैक्सेशन वही 3 या 5 ईयर्स OBC एंड ST कैंडिडेट्स के लिए। इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन आपको एट द टाइम जब आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन किया जाएगा तो आपको एक पुलिस वेरिफिकेशन सर्टिफिकेट भी आपको प्रोवाइड करना होगा। इसमें आपकी जो फीस पे होगी वो आपकी 200 रुपीज़ होगी OBC एंड जनरल कैंडिडेट्स के लिए, और SC, ST एंड PWD कैंडिडेट्स के लिए इसमें कोई फीस नहीं है, आपको कोई फीस पे नहीं करनी है, ठीक है गाइस। और हाउ टू अप्लाई, अप्लाई करने के लिए आपको डायरेक्ट लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, ये जो आपका ऑफिशियल नोटिफिकेशन है उसका लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, ठीक है गाइस। मेकिंग ऑफ पेमेंट ऑफ ऑनलाइन मोड, आपकी जो पेमेंट है वो SBI के थ्रू ऑनलाइन पेमेंट होगी या फिर नेट और डेबिट कार्ड से, ठीक है, क्रेडिट और डेबिट कार्ड से। और आप चाहें तो अपनी फीस ऑफलाइन भी पे कर सकते हैं, ठीक है गाइस। आपके सभी फोटोग्राफिंग इंस्ट्रक्शन है कि आपको वाइट बैकग्राउंड में अपनी फोटो फिल करनी है, जो आप फॉर्म फिल करोगे उसमें वाइट बैकग्राउंड में आपको फोटो लगानी है, रेड आई नहीं होनी चाहिए, वो सभी आपके इंस्ट्रक्शन दिए हुए हैं, बाकी आप चेक कर सकते हैं आप जब आप फॉर्म फिल करेंगे तब उस वक्त, ठीक है गाइस। इंपॉर्टेंट डेट्स हैं आपकी 26/12/2018 से आपके फॉर्म फिल स्टार्ट हो गए हैं और 5 तारीख तक आपके फॉर्म फिल किए जाएंगे, 5/1/2019, ठीक है गाइस। तो दैट्स इट फॉर टुडे, थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, फॉर्म को ज़रूर फिल करिए अगर आपने BTech डिप्लोमा और ITI करी हुई है, ठीक है गाइस। उसी के साथ अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए ताकि आपको फ्यूचर में भी लेटेस्ट अपडेट्स मिलते रहें सभी रिक्रूटमेंट से रिलेटेड। थैंक यू गाइस।